चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। किचन में महमूद है। चुप करो यार, सुबह सुबह पता नहीं किसने पानी बंद कर दिया। तुम फिर आ गई। मैं हमेशा से यही थी और यही रहूंगी, पर तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। हाँ तो हम दूसरे कमरे में रह लेंगे पुत्र। नहीं, तुम लोगों को शाम से पहले पहले ये घर छोड़ना होगा। इतनी मुश्किल से तो रिजवाना के अब्बे ने ये घर लेके दिया है, मैंने नहीं रुलना पार्कों में फिर। ए बुढ़िया, या तो तू खुद जाएगी या फिर तेरी लाश जाएगी यहाँ से। अब शक मेरी लाश चली जाए, मैंने नहीं जाना इधर से। ए अंकल ये पागल है क्या? देखो कुल्फी, हमें इस घर से मत निकालो, हम बहुत ही गरीब लोग हैं। झूठ मत बोलो, गरीब लोगों के इतने बड़े मुंह नहीं होते। ओए तू मुझे नहीं निकाल सकती, तू रूह है तो मैं भी वो हूँ बच्चू। वो क्या? वो जिसके पाँव उल्टे होते हैं ना, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल, मैं भी चुड़ैल हूँ बच्चू। अच्छा अभी पता चला तू। क्या है जानू यार, तुम्हारे पापा जी को यही घर मिला था, ऐसा तो बेहतर था वो हमें लंदन में घर ले देते। क्यों, लंदन में रूहें नहीं होती? ओ जानू, इंग्लिश रूहें इतनी वैसी नहीं होती जितनी देसी रूहें वैसी होती हैं यार। शट अप नबील। ओके जानू। तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, तुम नॉक करके नहीं आ सकती? अगर मैं नॉक करती ना तो तुम नॉक आउट हो जाती। मैं दरवाजा नॉक करने की बात कर रही हूँ। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ। देखो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, एपिसोड शुरू हुई है, तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती? ये एपिसोड मेरी है, मैं हर सीन में आऊंगी, समझी तुम? नबील कुछ करो यार। तुम्हारा नाम नबील है? देखे अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अदील रख लेता हूँ। नहीं नबील अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। लगता है जानू रूना मुझसे इंप्रेस हो गई है। नहीं जानू, ऐसे आइडिया था मेरा। अपने पापे से ना कह के हमारे लिए अच्छे से घर का बंदोबस्त कर नीला। खूबसूरत माँ जी, घर बेशक खूबसूरत ना हो चलेगा, पर मेरा कमरा बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं पापा से अब कुछ नहीं कह सकती माँ जी। अरे भाई तू नबील कह देगा ना, इसे तो वैसे भी मांगने की आदत है। क्यों नबील? अरे तुम फिर आ गई हो, कम से कम सुकून से हमें खाने तो दो। पापा जा, तुम लोगों ने खाने को हाथ लगाया तो रखो नीचे, सिर्फ तुम खा सकते हो। थैंक यू। शाम के बाद अगर तुम लोगों की शक्ल मुझे दिखाई दी ना तो उल्टा लटका दूंगी तुम लोगों को। रिलैक्स रहे पुत्र, शाम के वक्त ना हम सब नकाब पहन के घूमेंगे। तुम लोग मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए उस घर में। हाँ तो एक काम करना, तू अपनी आँखों पे वो बांध ले। वो क्या? पट्टी। हाँ पट्टी, तू ना अपनी आँखों पे पट्टी बांध ले तो हम तुझे दिखाई नहीं देंगे। कैसा? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, अभी बता दूं तुम लोगों को। यार नबील, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो क्या महमूद साहब? अरे भाई यही कि हम सबको थप्पड़ पड़े हैं, तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? हो सकता है वो रूह कफील से वो करती हो। वो क्या? वो जो आप मुझसे करते हैं। नफरत? चुप है, नफरत नहीं वो। अरे तुम चुप करो यार, मोमो दिमाग मत खाओ। महमूद साहब प्यार से बात करें मेरी माँ से। हाँ प्यार, वो रू न जमील से प्यार करती है। तो माँ जी ये क्या कह रही है यार? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। नबील तुमने रू के साथ भी अफेयर चला लिया। शेम ऑन यू वैसे नबील। जानू ये झूठ कह रही है यार, मुझे महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम यार। परसों पहले मेरा एक मंगेतर था, उसका नाम भी नबील था। हम दोनों की शादी होने वाली थी और फिर इस घर में मेरा मर्डर हो गया। परसों मैंने नबील का इंतजार किया इस घर में, आज देखो मेरा नबील आ गया, वही शक्ल वही आवाज वही नाम। जानू नहीं, तुम मुझे सोनू कहा करते थे नबील। खुश पुत्र, इसकी मोहब्बत तो बड़ी वो है। सच्ची? हाँ, वो
सॉरी। चलो इसका मतलब है कि तुम अब हमें इस घर से नहीं निकालोगी। जी नहीं, तुम सबको शाम तक एक एक करके जान से मार दूंगी। इस घर में सिर्फ मैं और नबील रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन? जी मैं महवूश हयात बात कर रही हूँ। अरे महवूश जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जट साहब। जट साहब, ओ माँ जी, ये तो आप हैं। चुप, मैं तेरी माँ जी नहीं हूँ, जमील की माँ हूँ मैं। अरे आप लोग कहाँ हैं भाई? मैं कितनी बार आप लोगों के घर गया हूँ पैसों के लिए। हाँ तो आप हमारे नए घर आके पैसे दे दे हमें। मैंने पैसे देने नहीं है आप लोगों के, लेने हैं आप लोगों से। पैसे तो वो चोरनी ले लेगी सारे। कौन चोरनी? हमारे घर में ना चोरनी आ गई है बट साहब, बड़ी खतरनाक है, कह रही थी हम सबको जान से मार देगी। माँ जी आप अपना एड्रेस बताएं, मैं अभी पहुँचता हूँ। हाँ हाँ लिखे, बुलबुले नई लोकेशन। आप जैसे ही आएंगे ना हमारे इलाके के करीब, एक कुत्ता मिलेगा, उसको आपने वट्टा मार देना, वो खुद ही आपको हमारे घर पहुँचा देगा। जानू सिर्फ तुम ही हो जो मुझे उस कनीज से बचा सकती हो। वो रूह है नबील। ओ जानू, अगर वो रूह है तो तुम भी किसी चुड़ैल से कम थोड़ी हो। शराब। ओके जानू। नबील तुम इस नकचड़ी को जानू मत कहा करो। मुझे नहीं तो क्या तुम्हें जानू कहेगा? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे है, नबील मेरा शोहर है। हाँ लेकिन तुम तो मरने वाली हो ना। ओ जी जानू, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मरने वाली हो, वरना मैं पापा जी को इन्फॉर्म तो कर देता ना यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबील। हाँ लेकिन ठीक रहोगी नहीं, सिर्फ कुछ घंटे तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस घर में सिर्फ मैं और नबील रहेंगे बहुत मजे से। चलो ना नबील, हम बाहर चलते हैं। ओ मैं कहीं नहीं जा रहा। हाथ छोड़ो मेरे नबील का। हाथ उसने पकड़ा है मेरा। अच्छा तो फिर ये लो। मुमताज, इससे पहले कि वो रूह हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें अब्बा जी के गांव चले जाना चाहिए। आपके अब्बा जी गांव में रहते हैं इशफाक? महमूद। अच्छा महमूद के अब्बा जी गांव में रहते हैं। अरे मैं तुम्हारे अब्बा जी की बात कर रहा हूँ यार। ना मेरे डैडी तो लंदन में होते हैं ना। अफ्तखार माँ जी, महमूद साहब मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तू परेशान नहीं है, तू बड़ी मक्कार है नौरीन। प्लीज उस रूह का कुछ करें यार, वो नबील के पीछे पड़ गई है, कहती है हम सबको मारकर सिर्फ नबील के साथ इस घर में रहेगी। हाय तूने अपनी सास पे वो उठाया। मैंने कुछ नहीं उठाया माँ जी। दरवाजा किसने खोला? मैंने। तुमने दरवाजा अंदर से खोला, लेकिन तुम तो यहाँ हो। मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। तुम हो कौन? मैं कनीज हूँ। किसकी? अरे मेरा नाम कनीज है। ओ तुम वो चोरनी तो नहीं हो जो सबको मारने की धमकी दे रही थी? मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ कनीज। अच्छा तो फिर गिरफ्तार कर लो। तो ये कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। तुम गायब कैसे हुई? ऐसे। अरे बट साहब आप यहाँ कैसे? ओ यार मुझे माँ जी ने यहाँ का एड्रेस दिया था, मैं तो अपने पैसे लेने आया था, मगर वो लड़की वो रूह है बट साहब। रूह? हाँ अरे वो ही तो सुबह से हमें मारने की धमकी दे रही है बट साहब, प्लीज बट साहब हमारी मदद करें। ओ मैं क्या मदद करूँ, मेरे 2 लाख बनते हैं, तुम शराफत से वो दे दो मैं जाऊँ। बट साहब पैसे तो आपके बिल्कुल रेडी है, लेकिन वो पैसे उस कमरे में पड़े हैं जहाँ वो रूह है, अब आप आके ले लें। क्या? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना बट साहब, तो आए मेरे साथ अंदर चल के देख ले। नहीं यार आ गया यकीन, मुझे छोड़ दे। अरे नहीं आओ बट छोड़ यार। अरे बट्टू ले जा अपने पैसे, कमरे में पड़े हैं। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया तू प्रेम कहानी, सावा विच आया है तूफान। ना पता है बड़ों के आगे ऐसे मुंह खोल खोल के नहीं हंसते। ए बुढ़िया, तूने अभी तक अपना सामान नहीं बांधा,
लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। भाई पुत्र अपनी सास को मारेगी, तू कैसी बातें कर रही है। सास? हाँ मुझे मालूम है तू दील को बड़ा पसंद करती है। मैं उसकी माँ हूँ बच्चू। मैं दील को नहीं नबील को पसंद करती हूँ। हाँ तो मैं उसकी भी माँ हूँ। कितने बेटे हैं आपके? अदील, कफीर, शकील, नबील, तू इनमें से जिसको भी पसंद करेगी मैं तेरा विवाह करा दूंगी। मुझे सिर्फ नबील पसंद है। ये ले पुत्र, ये ले शगन, मुझे इस रिश्ता मंजूर है। सच? हाँ, तूने मुझे और मुस्तकीम को घर से नहीं निकालना, बस उस हमीदा को सीधा करना। तूने कौन हमीदा? वही मेरी भांजी, वो नबील को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आपकी भांजी नबील के पीछे क्यों है? भी वो उसकी बीवी है ना। हाँ? नबील ने कितनी शादियाँ की हैं? याद नहीं आ रहा पुत्र, 2-4 की होंगी। तू फिलहाल सादिया से निमट, वो किचन में है। ओ हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अब पता चलेगा तुझे कैसी कुट पड़ेगी। मौसम हो आए बेईमान। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें यहाँ से निकाल दे। हम सब कुछ दिनों में यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ तुम जाओगी यहाँ से। माँ जी ने मुझे अपनी बहू कबूल कर लिया है। क्या? हाँ, इसीलिए नबील और उसके माँ बाप यहाँ रह सकते हैं। सिर्फ तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी माँ जी से बात करती हूँ। माँ जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी आवाज पुत्र। वो रू कह रही है आपने उसे बहू कबूल कर लिया। ओ माँ जी, ये क्या किया आपने यार? आपको इतनी प्यारी लग रही है तो महमूद साहब का रिश्ता करवा देना यार। मसूद को तुम अपना ससुर समझती है? हाँ, तुम भी तो हर वक्त तैयार रहते थे ना दिल लगाने के लिए। ओ बस कर रहे मैं मूसा, उसे देख कर मेरा दिल हलक में आ जा रहा है। कोई नहीं पुत्र, 2 गिलास पानी से घटक जा। जानू जी, आपने बुलाया जानू? हाँ भाई, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। अरे मेरे नहीं हो तो किसी का तो हो गया, बोलो काम क्या है? अबे मुझे क्या काम तुम जैसे फारिग इंसान से? अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं फारिग हूँ? अबे मैं भी बुलबुले देखता हूँ, जू ही मुझे पता चला तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हो तो मैं आ गया अपने पैसे वसूल करने। कोई पैसे वैसे नहीं है, चल माफ कर भाई, चल चल। ओ मैं कोई भीख वीख नहीं मांग रहा, मेरे छोटे भाई की दुकान से पूरे 50,000 रुपए का सामान उठाया तुम लोगों ने। सीधी तरह पैसे वापस करो वरना। ओ भाई पैसे वैसे नहीं है ना, बताया नहीं है? अच्छा पैसे वैसे नहीं है। अभी तुझे बताता हूँ। ये कौन है? मेरा हाथ किसने पकड़ा? मैंने। तुम कौन हो? मैं नबील की मंगेतर हूँ और जो भी उस पे हाथ उठाएगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। अरे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं चल, अभी कहाँ, अभी चल, कहाँ, चल, माफ कर दो, चल, और लो, चल भाग, और लो, चल भाग। थैंक यू गणेश, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलो ना वहाँ चल के बैठ के आराम से बातें करते हैं। आज वो बैठो बैठो बैठो। तो मेरी तारीफ में कुछ कहते क्यों नहीं हो नबील? क्या क्या कहूँ बहन? बहन, हमारा रिश्ता हो चुका है। मेरी बीवी खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी नहीं करेगी, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। क्या? हाँ नबील, मैं तुम्हें किसी से नहीं बांट सकती। I am so possessive about you. Yes, yes, yes. अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं ना बता नहीं पा रहा। सच? इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो? मैंने सोच लिया है नबील, तुम्हारी बीवी के मरने के बाद हम दोनों इस घर में सुकून से रहेंगे। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगी और फिर तुम भी मेरी तरह रू बन के यहाँ वहाँ भटकते रहना। हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर ना लोगों को डराया करेंगे, कितना मजा आएगा। बहुत बहुत मजा आएगा। तुम भी हंसो ना, ऐसे नहीं जिस तरह मैं हंसती हूँ।
जानू क्या है? जानू जानू मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा, बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा एक रूह, रूह मेरे पीछे पड़ी हुई है। जानू वो ख्वाब नहीं है नबील, वो रूह सचमुच तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। जी जी जानू, लेकिन तुम तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं पापा के पास वापस जा रही हूँ। जानू तुम अपने शौहर को उस रूह के हवाले करके कैसे जा सकती हो? कि तो माँ जी को सोचना चाहिए था ना, उन्होंने तो उस रूह को नेक भी दे दिया है। पहाड़ में गया जानू नेक, तो मुझे बचा लो जानू वरना मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ रुक गई ना नबील तो वो रूह मुझे मार देगी। चलो तो क्या तुम मेरे लिए जरा सी जान नहीं दे सकती हो? हरगिज़ नहीं। महमूद साहब मेरी जिंदगी बचाएंगे, मेरा सौतेला बाप मेरी जान बचाएगा। महमूद साहब। अरे क्या है यार नबील, अब इस नए घर के लॉन में इंसान सुकून से चाय भी नहीं पी सकता। ओ यार खूबसूरत घर छोड़ के जा रही है भाई। हाँ तो जाने दो भाई, अब तुम सिर्फ गणेश के बारे में सोचो। मुझे नहीं सोचना उसके बारे में यार, आप सोचें अगर खूबसूरत घर छोड़ के चलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे आराम से चलेगा भाई, हमारी नई बहू गणेश जो है वो घर चलाएगी। महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार, वो रूह है रूह यार। और प्लीज महमूद साहब मेरी मदद करें यार, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, आपकी खिदमत करूंगा सारी जिंदगी। मुझे तुम मेरी करोगे वो खिदमत होगी तकरीबन। अच्छा जी, लो फिर एक ही शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? पट साहब वो कैसे? अरे भाई पट साहब को फोन करके कहेंगे कि वो किसी आमिल बाबा को यहाँ ले आए और इस रूह से हमारा पीछा छुड़वा दे, हम उनके सारे पैसे फौरन वापस ले देंगे, कैसा? गुड आइडिया महमूद साहब, पट साहब को कॉल मिलाएं पट साहब को, क्योंकि पैसों के चक्कर में आएंगे पट साहब। हाँ वैसे नहीं आता वो, बड़ा वो आदमी। तकरीबन को कान दे चुकी हूँ। अरे कान नहीं मुमताज, जुबान। हाँ मैं मुमताज की जुबान दे चुकी हूँ। नबी जाने दो से वरना मैं इसे जान से मार दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। पट साहब बहुत अच्छा हुआ है कि आप आ गए, वरना ये लड़की हमें ले दे गई थी। बाबा जी यही है वो बदरू जो इन सब की जान की दुश्मन बनी हुई है। ए बदरू भाग जा यहाँ से तू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ए बदरू जाना तो तुझे पड़ेगा, नहीं तो तुझे मैं जला के भस्म कर दूंगा। तुझे जाना पड़ेगा। क्या समझ रही है? चल जा यहाँ से, चली जा तू। शुक्र भट्ट साहब, यार आपने तो हमें बचा लिया। अब मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, निकालो मेरे पैसे। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, क्यों शकीला? बल्कि मैं तो कहती हूँ भट्ट साहब पिज्जा मंगवा ले। अच्छा पैसे भी नहीं है और पिज्जा भी मैं मंगाऊ? ठीक है तो चलो ना सारे थाने, तुम लोग चल के वहाँ पे चक्की पीसना जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते। भट्ट साहब मेरे पैसे तो दे दें, मैं तो आपके कहने पे आया था, पूरे 5,000 बनते हैं मेरे। यार मेरे 2,00,000 रुपए तो मिल जाए, तेरे 5,000 भी मिल जाएंगे। चलो थाने और तू भी चल थाने। गॉड तुम्हें क्या लगा मैं ऐसी चली जाऊंगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तुम्हें चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते